मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में झंडा फहराने से पहले ही कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हो गया। सड़क पर ही कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और चंदू कुंजीर आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे और लात घूंसे भी बरसाए। सीएम कमलनाथ गांधी भवन पहुंचते उससे पहले ही कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। यह देख वहां सीएम की सुरक्षा के लिए लगे पुलिस अधिकारी दौड़े और दोनों नेताओं को अलग अलग किया, लेकिन तब तक लात घूंसे और थप्पड़ों का आदान प्रदान हो चुका था। इसके बाद सीएसपी डी के तिवारी ने चंदू कुंजीर को कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। बताते हैं आगे खड़े होने को लेकर दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हो गया था। इसके ही कुछ देर बाद सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस नेताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद सीएम मंच पर पहुंचे और तिरंगा फहराया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पहली बार बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बीच इस तरह का विवाद अंदरूनी गुटबाजी बाहर नजर लाने के लिए काफी है। कार्यक्रम स्थल पर ही पहले देवेंद्र यादव और चंदू कुंजीर के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। यह देख वहां खड़े कांग्रेस के अन्य नेता और पुलिस अधिकारी भी उन्हें अलग करने पहुंचे। दोनों को खींचकर अलग अलग किया गया। बाद में इस मामले में एफआईआर तक की गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।